ஆன்லைன் செய்யறேன், அதில் தான் வெல்கம் டு மை ஆன்லைன் கம்ப்யூட்டர் கோச்சிங் சேனல். आज मेरी वीडियो फोटोशॉप की 50 वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों को फोटो एडिटिंग करना सिखाऊंगा। एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले फाइल मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से हम एक लार्ज साइज का पेज लेंगे, लाइक मीन 90:20 पेज लेता हूँ और सिंपल ओके। देन मैं कोई फोटो यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ जिसपे मैं एडिटिंग करना चाहता हूँ, लाइक ये मैंने फोटो उठाई है, इसको मैं यहाँ से सिंपल मूव करके यहाँ पे लेके गया। उसके बाद कंट्रोल ए किया और इसको सेंटर में कर देता हूँ अलाइनमेंट के ऑप्शन से। ओके, साइज को थोड़ा सा इसका थोड़ा सा स्मॉल कर देता हूँ और फिर इसको दोबारा कंट्रोल ए करके अलाइनमेंट। फिर लेयर डुप्लीकेट करनी है मुझे ये वाली, तो मैं कंट्रोल जे करने के बाद मुझे क्या करना है, कंट्रोल टी करना है और एक लेयर को कंट्रोल टी की मदद से साइज बढ़ा देना है। उसके बाद ये जो मेरी नीचे वाली लेयर है, लाइक ये वाली लेयर, इसको उठा के ऊपर लाना है। ओके, मूव करवाया। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे ये जो मेरा बैकग्राउंड है इस वाले बैकग्राउंड के ऊपर राइट क्लिक करना है। अब मेरा जो माउस है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो मैं लेयर के ऑप्शन में जाऊंगा और यहाँ पे लिखा हुआ ब्लेंडिंग ऑप्शन, ये ब्लेंडिंग ऑप्शन जो है राइट क्लिक में आ जाता है। ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाना है मुझे। ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेन इफेक्ट, इस इफेक्ट को मुझे चूज करना है और यहाँ से नॉर्मल करना है, 50% है इसको, मुझे ओके कर देना है। उसके बाद इस पर दोबारा क्लिक करना है, तो ये देखिए इस तरह का इफेक्ट मेरा तैयार हो जाएगा। ओके, जब मैंने इस वाली लेयर को यहाँ पे ले लिया, उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इस लेयर को दोबारा ओपन करना है और डबल क्लिक करके वापसी इसमें जाना है। इस कमांड से देखिए ये मैंने इफेक्ट अप्लाई किया है। अब मैं अगर इसकी ओपेसिटी कम और ज़्यादा करूँगा तो ये देखें इस तरह आएगा। इसको मैंने तकरीबन यहाँ से 50% ओके कर दिया है। अब मुझे सेकेंड लेयर पर आना है, ये जो हम स्मॉल वाली मेरी जो लेयर है इस पे आना है और अगेन मुझे ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाना है एंड यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रोक को लेना है। स्ट्रोक को लेने के बाद मैं यहाँ से कलर चूज करता हूँ येलो या ग्रीन, ठीक है, बल्कि येलो कलर चूज करता हूँ मैं यहाँ से। उसके बाद सिंपल ओके, स्ट्रोक मैंने लगा दिया येलो कलर का। उसके बाद मुझे यहाँ पे आना है आउटर ग्लो पे। इस पे आने के बाद मुझे ये जो लिखा हुआ है ब्लाइंड मोड, इसको नॉर्मल करना है, देन साइज थोड़ा सा इंक्रीज करना है, यानी यहाँ पे जो साइज है इसको मैं तकरीबन 30% कर देता हूँ, देन ओके। तो ये देखिए फोटो एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ओके, अब अगर मैं चाहूँ इस पर कोई कलर वगैरह अप्लाई करना तो इमेज में जाऊँगा और यहाँ पे जो लिखा हुआ है कंट्रोल यू, ठीक है, ये दिस कमांड, इसको मैं लेता हूँ यहाँ से और ये देखिए बैकग्राउंड पे चेंजिंग हो रही है। अब जो भी मैं बैकग्राउंड लेना चाहूँ उसको मैं ले सकता हूँ, लाइक ये लिखा मैंने, इसको मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ एंड ये देखिए ओके। अगर मुझे नहीं करना तो कैंसिल और नहीं लेती। तो मैंने आज आपको सिंपल सी रिव्यू फोटो एडिटिंग करना सिखाया है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।